देश में जो हालात हैं उनको देखते हुए लगता है कि सच सामने आना चाहिए। हमें सोचा था उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा था, हमें भी लगा था कि एक उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री एक योगी मिला है, लेकिन दुर्भाग्यवश शायद ऐसा लग रहा है वो योगी नहीं मनोरोगी हैं। ऐसे मनोरोगी व्यक्ति से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन जब भी वो कुछ ऊल जुलूल बातें करते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, तो फिर जी चाहता है कि उनका भी शिजरा, उनकी भी जन्म कुंडली, उनके भी अंदर की बात सामने आनी चाहिए। ये अंदर की बात लगता है बड़ी लचीली हो गई है। मैं भी कल ही गुजरात से आया और गुजरात के अंदर मेरे ख्याल से आप लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि उत्तर प्रदेश ही क्या, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उत्तर प्रदेश के जो कामगार लोग हैं, जो काम करने के लिए, जो रोजगार के लिए जो घरों से निकलते हैं, उनके लिए गुजरात की धरती एक दूसरी माँ के समान है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के प्रवासियों के लिए, ऐसी जगह पर अभी कल मैं एक वहां पढ़ के आया, इसलिए जरूरी है कि उसका भी ज्ञान सामने हम आपके बीच में जरूर उसको शेयर करें। देखिए, जहां तक सवाल है बीजेपी का, गुजरात अपने आप में बहुत ही गौरवशाली प्रदेश है, और गुजरात जो है वो पहचान केवल इन दो लोगों से नहीं है जो आजकल तरह तरह के कपड़े पहन के घूमते हैं। गुजरात की जो एक आधुनिक पहचान है, जो विश्व में पहचानी गई, जो विश्व में जानी गई, वो महात्मा गांधी ने दी। और महात्मा गांधी ने उन तमाम महापुरुषों को, उनकी वाणी को, नरसिंह मेहता जैसे कवि की वैष्णव जन का जो एक गीत है, एक भजन है, एक आस्था है, वो वहां से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। आजकल वहां पर गौरव यात्रा निकल रही है, और ऐसी ये गौरव यात्रा, ये वो गौरव यात्रा है कि जिस प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 22 वर्ष राज किया है, और आज उनको गौरव यात्रा निकालनी पड़ रही है। उसका कारण है कि 23 साल, जिस दिन से गुजरात बना उसके 23 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने मां सेवा करने का काम किया, और 22 साल से ये वहां पर है। वहां पर IIM, वहां पर NID, वहां पर अमूल, वहां पर इसरो, ऐसी संस्थानों को जिन्होंने इस पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में भारत देश को एक बहुत ही गर्वान्वित, एक बहुत ही ऊंचाइयों पर, बहुत ही शिखर पर लाने का काम किया, उस तरह की एक भी संस्थान या संस्था ये 22 सालों में नहीं बना सके जो कांग्रेस की 23 सालों की जो एक गुजरात की बुनियाद रखी गई थी। गुजरात गौरवशाली इसलिए नहीं है कि जैसा कि हमारे नेता ने कहा है कि शाहजादा का शाह,
शाहजादा का शाह जहां पर 16,000 गुना मुनाफा करता है और जहां से आया हुआ नेता देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, वो ना जाने प्रधान सेवक है कि प्रधान भागीदार है या प्रधान हिस्सेदार है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि इसका तो जब तक ईडी जाए, सीबीआई जाए, इनकम टैक्स जाए, जब तक इसकी जांच पड़ताल नहीं हो या कोई दो पदासीन जजों की नियुक्ति हो जो इसकी इंक्वायरी करें, आज वहां पर गौरवशाली और गौरव यात्रा कर रहे हैं जो सिंधु घाटी के जमाने से जिस गुजरात ने अपना गौरव दिखाया है उस जागृत प्रदेश को आज यह गौरव यात्रा निकालकर गौरवशाली बनाने के लिए निकले हुए ये लोग, ये छदम लोग मात्र 3 या 2.5 धनाढ्य लोगों को इन्होंने वहां पर जरूर विकसित करने का काम किया है। गुजरात की गरिमामयी विकसितता का काम जो है वो गुजरात के मध्यम वर्गीय व्यवसायियों के ने संपन्न किया है उस गुजरात की धरती को, और मात्र गुजरात की धरती को नहीं सारे भारत को, जहां जहां भी ये लोग गए हैं और सारी दुनिया के अंदर जहां जहां गए ये मध्यम वर्गीय व्यवसायी, इसने वहां पर उस रंग में ढलकर इसने गुजरात की और गौरव की और भारत की गरिमा को रखने का काम किया है। आज वहां पर अब इनको कोई ऐसा गुजराती नहीं मिला कि उस गौरवशाला की गौरव यात्रा में ये चुनाव की जो रणभेदी छेड़ रहे हैं तमाम छदम तरीकों से, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है वो घोषित कर दिया और जल्दी से आधे घंटे के अंदर सैकड़ों करोड़ की योजनाएं घोषित कर दी और प्रधानमंत्री कुछ करेंगे इस गौरव यात्रा में, जिसकी वजह से वहां के चुनाव की तारीखों को रोक दिया गया। इनके पास में आज अपना कोई गुजराती चेहरा नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में यहां पर काम कर रहे थे, लगता है आरएसएस को, बीजेपी को लगता है इनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है, इसीलिए एक इंपोर्ट किया गया है गौरव यात्रा में बिठाने के लिए ट्रक के ऊपर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। इनकी गौरव यात्रा को गौरवशाली बनाने के लिए गुजरात में कोई संपन्न चेहरा नहीं मिला और आज इन्होंने एक इंपोर्ट किया है एक उत्तर प्रदेश से। ये वो गौरव देने के लिए वहां गया है। इनके गौरव के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूं, है बीजेपी वालों इतना तो कम से कम ध्यान रख लेते, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से असफल हो चुका है, जो किसी भी क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने का काम नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को आप हिदायत क्यों नहीं देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में रहकर सही से काम करे? उसको इधर उधर घुमाने का काम किस लिए कर रहे हैं? वो चले थे, निकले थे घर से योगी बनकर, बने मुख्यमंत्री, वो क्या कहते हैं, आधी छोड़ पूरी को जाए, पूरी रहे ना आधी पाए। योगी मुख्यमंत्री बनने चले थे, ना मुख्यमंत्री न बन पा रहे हैं, ना योगी ही रह पा रहे हैं। ये ऐसा योगी है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि अपना कौन सा गौरव का ये कारनामा वहां पे उस गौरव यात्रा के अंदर दिखाने का काम करेंगे। आज की तारीख के अंदर मैं इसलिए कुछ लेटेस्ट आंकड़े लेकर आया हूं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि इनके मंत्रियों ने, जैसे इन्हीं की नाक के नीचे गोरखपुर के अंदर जहां पर 18 साल से ये खुद सांसद हैं, उससे पहले इन्हीं के परिवार के और इन्हीं की पार्टी के लोग रहे हैं, वहां पर एक बीआरडी अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, जिसके अंदर जो भी
वहां पर जो भी प्रगति हुई है वो यूपीए सरकार के जमाने में राहुल गांधी जी के जाने के बाद वहां पर जो एक आंदोलन चला, 4,000 करोड़ रुपया वहां के आसपास के माहौल को दिया गया। राहुल जी ने स्वयं 3 बार वहां का निरीक्षण किया, यहां उन तमाम कमेटियों के साथ में बैठे और उसके बाद में यह तय हुआ कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए। 150 करोड़ रुपया वहां पर इंसेफ्लेटाइटिस के लिए वो वार्ड बनाया गया, बच्चों का अलग वार्ड बनाया गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए वहां पर केंद्र सरकार ने, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह अस्पताल था, केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर इस तरह की बीमारियों को लेकर एक आंदोलन, एक योजना बनाई जिसके अंदर गोरखपुर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा दिया गया। यह राहुल गांधी जी की वहां पर उस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस देश की आने वाली नस्लों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए किस तरह से उनको बचाया जा सके उसके लिए उनका उनका प्रयत्न था, उनकी कोशिश थी। और ये 18 साल से यहां पर सांसद रहे, गोरखपुर के सांसद माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद रहे आप, मुझे एक ऐसी कोई मीटिंग, ऐसी कोई स्पीच दिखा दीजिए जिसके अंदर आपने बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर जो तकलीफ है लोगों, बच्चों जो मर रहे हैं उनके बारे में आपने एक भी चिंता जताई हो। आपने मात्र उस दिन जब मनमोहन सिंह जी ने वहां पर पैसा दिया योजनाओं के अंतर्गत, उस दिन आपने मनमोहन जी का धन्यवाद, मनमोहन सिंह जी का, यूपीए सरकार का धन्यवाद कहने के लिए आपने लंबी स्पीच दी, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो रिकॉर्ड में भी है और रिकॉर्ड के साथ साथ यूट्यूब पर नजर आती है। जैसे ही इनके बारे में जानकारी की चाहते हैं आप, तो यही उनकी मात्र उपलब्धि है जिसपे इन्होंने कहा है कि हम संघर्ष करते रहे बीआरडी के लिए, इन बच्चों की मौत के लिए। मान्यवर, 1 महीने के अंदर, आज 1 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक 187 बच्चों की इसी अस्पताल के अंदर मौत हुई है। हमने जिस दिन अगस्त के अंदर इस बात को जब उठाया था तो इनके मंत्री ने कहा था अगस्त के महीने में तो ये मौतें होती ही रहती हैं। दुर्भाग्य है ये उत्तर प्रदेश सरकार का बयान था और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर बना हुए इस अस्पताल का बयान था और उसमें यह कहा गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आपके मंत्री की बात को सुन लिया, उसके बाद में हमारे मीडिया के भाइयों ने भी कहा कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, अक्टूबर चल रहा है, आज की तारीख में 1,000 से ज्यादा बच्चे इन 3 महीनों के अंदर दिवंगत हो चुके हैं। ये इसलिए नहीं, ये इंसेफ्लेटाइटिस नहीं है, ये मात्र केवल जापानी बीमारी नहीं है, ये योगी सरकार की लापरवाही है। वो लापरवाही इसलिए कि वहां पर जानकारी लेनी चाहिए, योगी जी आपका अपना वहां पर एक अस्पताल बन रहा है आपकी संस्था का, 500 बेड का, 500 बेड का आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जहां आप मेडिकल कॉलेज भी बनाना चाहते हैं, जिसकी दीवारें के साथ साथ जो है स्लैब भी पड़ना शुरू हो गए हैं और उस बिल्डिंग बहुत जल्दी वो खत्म होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है योगी जी कि आप इस सरकारी अस्पताल में जहां पर सिर्फ गरीब लोग जाएंगे, गरीबों के बच्चे जाते हैं, गरीब परिवार जाते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि गरीबों के बच्चों की मौत होती रहे और इस सरकारी अस्पताल की साख खत्म होती रहे, ताकि आने वाले कल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी संस्थान का 500 बेड का जो हॉस्पिटल होगा उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ तो पैसे लिए ही जाएंगे, कुछ दिखावे के लिए आप इतनी सीटें फ्री भी रखेंगे, कुछ गरीबों के लिए रखेंगे, कुछ आप दलितों के लिए रखेंगे, लेकिन बाकी तो फिर आपको
अस्पताल भी तो चलाना होगा, उसके लिए भी तो आप कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे। शायद ये उसी की वजह है, ये है इनका संवेदनहीन चेहरा, ये इनका गौरवशाली गौरवपूर्ण चेहरा, जो गुजरात की गौरव यात्रा में लेकर ये चढ़कर बैठेंगे, ये गौरवशाली चेहरे को लेकर, और गुजरात की माताओं से ये कहेंगे कि सुनो, हम वो हैं जिसके आंगन में बच्चे किलकारियां नहीं मारते, वहां पर बच्चों की माएं विलाप करती हैं, वहां पर चीखें मारती हैं कि उनकी औलाद छिन गई है। शायद यही उनका ये कारण है जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि घबराओ मत, जात है, बिरादरी है, धर्म है, मजहब है, अगर इससे भी बाज नहीं आओगे तो हमारे पास में एक और भी रास्ता है, एक गौरवपूर्ण चेहरा हम उत्तर प्रदेश से लाए हैं, देखो इनकी कितनी गौरवशाली गाथा है, और इसको ध्यान में रखना, और वोट जो है गुजरात में फिर उसी को देना। ये चेहरा शायद इसलिए दिखाया जा रहा है, एक और भय, एक और डर। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, अभी बुधवार को पिछले दिन में ही आपके यहां कुछ बच्चे नौजवान जिनको अनुकंपा पर, जिनको कंपेशन ग्राउंड के कंपेशनेट ग्राउंड के ऊपर जिनको नौकरियां मिली थी, उसमें से कुछ बच्चे जिनके मां मर गए, बाप मर गए, भाई मर गए, उसकी जगह उनको नौकरियां मिली, और उन नौकरियों में वो बीए थे, कोई एमए कर रहा था, कोई पीएचडी कर रहा था, वो चपरासी की फोर्थ क्लास की नौकरियों के ऊपर जाकर उन्होंने वहां पर नौकरियां कर ली, और वो सिर्फ ये मांग लेकर गए थे वो पढ़े लिखे बच्चे कि मुख्यमंत्री महोदय हम में से पीएचडी भी हैं, हम में से एमकॉम भी है, हम में से एमएड भी कर चुके हैं, हमसे हम में से कुछ एमबीए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे पैसे बढ़ाइए या की कीजिए, कम से कम हमें चपरासी की नौकरी से निकालकर हमें, जो आप बोल रहे हैं कि आज इतनी नौकरियां आपके पास में हैं तो हमें उन नौकरियों में लगा दें ताकि आके अभी हमें किसी तरह का लाभ ना मिले, लेकिन आने वाले कल में हमें प्रमोशंस के साथ वो लाभ मिलते रहे, क्योंकि हमने अपना वक्त शिक्षा में भी दिया है। मुख्यमंत्री अंदर बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, खिड़की में से झांका तो उनको लगा कि ये क्या, कोई हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं से पंचम तल से उन्होंने ऑर्डर दिया और वहां पर लठ बजाना शुरू कर दिया। वो लड़कों से, उनमें से ऐसे लड़के हैं जो शायद किसी की टांग टूटी है, किसी का कंधा टूटा है, वहां पर लड़के बार बार कहते ही रहे कि देखिए हम लड़ने नहीं है आए हैं, हम कोई आंदोलन करने नहीं आए, हम सिर्फ उनसे मांगने आए हैं, जिसने हाथ उठा के कहा मांगने आए हैं उसका हाथ तोड़ दिया। ऐसे लोगों के साथ में दुर्दशा जो हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास में समय नहीं था, शाम की ही फ्लाइट से उन्होंने गुजरात जाना था, क्योंकि वहां पर गौरव यात्रा निकालने के लिए उन्होंने अनुबंधित हो चुके थे। किस मुंह से जाएंगे गुजरात के नौजवानों को क्या बताएंगे, बीजेपी शायद इस गौरव यात्रा के उस ट्रक पर ये बिठाकर इनको ये साबित करना चाहते कि है गुजरात के नौजवान, तूने अगर अपने लिए रोजगार मांगने की कोशिश की, हक मांगा, तो ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना कि हमारे साथ पास कौन आया है। अभी तो पंचम तल से ऑर्डर आया है, फिर गांधीनगर से भी ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। भूल जाओ उस बात को कि विकास गांडो तय छुए, ये विकास तो पागल हो ही गया है, ये विकास गांडो त्याय छे ऐसे ही नहीं हुआ है भाई, ये त्याव छे ऐसे ही नहीं हो गया, ये गांडो ऐसे ही नहीं हो गया, ये विकास पागल ऐसे ही नहीं हो गया। इसके पागलपन की दास्तां जाओ गुजरात के नौजवानों से पूछो। मामूली नौजवान कह रहे हैं योगी जी आपकी गौरव यात्रा में आप चार चांद लगाने गए हैं, वो भूल गए बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आजादी के बाद में कभी किसी यूनिवर्सिटी में, और खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी लड़कियों के ऊपर लाठी नहीं चली है। अरे उन बच्चियों की मांग क्या थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे से लोग छेड़खानी करते हैं, हम यहां से लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं, वहां लाइब्रेरी के रास्ते पर लाइटें लगाई जाएं, वहां पर कैमरे लगाए जाएं,
लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन पर लाठियां चाप दी गईं, और लाठियां भी चापने वाले, लाठियां भी मारने वाले कोई और नहीं थे, माफ कीजिएगा, जो पुलिस वाले थे वो सब मर्द थे। ये है योगी जी की मर्दानगी की कहानी कि यहां पर औरतों पर, बच्चियों पर, लड़कियों पर लाठी चलवाने के लिए उनकी मर्दानगी है कि मर्दों को, मर्द पुलिस वालों को सामने रख के लाठियां चलवाते हैं। वाह रे गौरवशाली उत्तर प्रदेश के गौरव यात्रा के अंदर बीजेपी ने तुम्हें बुलाया और आरएसएस ने अपना चेहरा दिखाने का काम करने की कोशिश की है। ऐसे चेहरे को अब उत्तर प्रदेश में से निकालकर वो ट्रक में बिठाया जाएगा और गौरव यात्रा निकाली जाएगी। अरे लड़कियों, गुजरात की हो, बच्ची हो, पढ़ने वाली हो, ध्यान रखना, सुन लेना, हमने उत्तर प्रदेश से एक बुलाया है। वो डमरू बजाए ना बजाए लेकिन इतना एहसास करा देगा कि किसी ने भी कोशिश की कुछ कहने की तो लाठी बजवा दी जाएगी। अभी तो बनारस में बजी है, गांधीनगर से भी ऑर्डर हो जाएगा और कोई लड़की सर उठाने का काम नहीं करेगी। जो छेड़ना चाहते हैं चुपचाप छेड़खानी करने दो, जो कुछ कहता है सुनने दो। जानते हो जिस तरह से वाइस चांसलर बनारस यूनिवर्सिटी का आरएसएस का था, ऐसा ही बहुत हमारे पास जो गुजरात में है। हमारे पास में गुजरात के अंदर तो नर्सरी है और नर्सरी के बाद में डिग्री कॉलेज भी है, किसी को भी निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे। ये है गौरव यात्रा की गौरवमयी कहानी। और उसके बाद ये इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, ये योगी ना तो ये आज मठ में बैठने के लायक रहा क्योंकि संवेदनहीनता चली गई। उस गोरखपीठ, उसकी पीठ के ऊपर बहुत बड़े लोगों की आस्था है। मैं नहीं जानता कि जिनकी आस्था है वो क्या कहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिन लोगों की आस्था है वो एक बार तो सोचेंगे कि इतना संवेदनहीन हमारा महंत कैसे हो सकता है, जिसके आंगन में बच्चे मर रहे हों, जिसके मुख्यमंत्री के पदकाल के अंदर जो है लड़कियां वहां पर मार खा रही हों, जहां पर दलितों की सहारनपुर में पिटाई हो रही हो, ये कैसे पीठ पर बैठने वाला कैसा महंत है। और कैसा, मैं तो नहीं कह सकता कि वो लालची है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि ना तो तुम इस लायक हो कि योगी बने रहो और ना तुम इस लायक हो कि मुख्यमंत्री बने रहो। अरे तुम एक तो त्याग करके या तो पीठ त्याग दो, महंतगिरी त्याग दो, नहीं तो मुख्यमंत्री पद त्याग दो। कम से कम त्याग कर ये तो साबित कर दो कि राहुल गांधी के लिए खिलाफ बोलने से पहले हम वो हैं कि जो प्रधानमंत्री चाहते तो कभी भी बन सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं बने कि जब तक जनता की तरफ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। और तुम तो वो हो जो गद्दी पर बैठने के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ यही कहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र बीजेपी को चाहिए कि आज उनको एक, जिस तरह से आज स्वयं उन्होंने इस बात को मान लिया है कि आज उस प्रधानमंत्री, उस प्रधान सेवक का चेहरा गुजरात में इस लायक नहीं रहा कि केवल वही यात्रा निकाल सके, तो उसके लिए जो है वो एक इंपोर्ट करके ले गए हैं। लेकिन इंपोर्ट भी किया तो कैसा व्यक्ति किया, उनकी समझ में आ गया है कि एक बोलने वाला प्रधान सेवक सिर्फ बोलता ही जा रहा है और 3.5 साल में उसने जनता को कुछ भी नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज जमीन के ऊपर उसकी चमक खत्म हो रही है। और उनकी यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि जिसको वो लेके गए हैं उसकी तो चमक कहीं है ही नहीं, ना योगी के रूप में रही है और ना मुख्यमंत्री के रूप में रही है। मैं यही चाहता हूं, ऐ गुजरात की जनता, मैं तेरे आगे गुहार करता हूं कि गुजरात से तूने प्रलयकारियों को झेला है, तूने भ्रष्टाचारियों को भी झेल लिया। एक ऐसा प्रलयकारी जो कहता था कि जो हम कहेंगे वही होगा, चाहे मुजफ्फरनगर में करवाएं, चाहे देश में करवाएं, गुजरात में करवाया, अब आगे भी करवाएंगे, ऐसे प्रलयकारी को आज वो भ्रष्टाचारी भी निकला। कमाल है, ये कैसा शाहजादा है और कैसा उसका शाह है। ये शाहजादे का शाह, आज उस शाह ने अपनी, देखिए, कमाल की ताकत दिखाने का काम किया है।
इस देश के अटॉर्नी जनरल को अपने शाहजादे के लिए उन्होंने कहा कि परमिशन लो। परमिशन तो बाद में लेते, दो दिन पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये वकील उनके होंगे। और देखिए क्या बात है शाह के, शाहजादे की और शाह की, कि किस तरह से उसने एक दिन बाद, जैसे इधर बात शुरू नहीं हुई, वो खुलासा नहीं हुआ, वो एक पत्रकार ने क्यों लिख नहीं दिया, उसके बाद ये सीधे एक केंद्रीय मंत्री आकर वहां पर खड़ा हो गया उसके बचाव के लिए। वाह, ऐसे लोगों के लिए वाह करते करते प्रलयकारी उसका चेहरा खराब किया। अब कम से कम गुजरात को बचाने के लिए जब राहुल गांधी वहां पर निकला है, लोगों ने मान लिया था कि विकास पागल हो गया है, लेकिन आज विकास गांडो त्याय छे, आज की तारीख के अंदर विकास पागल जरूर हुआ है, लेकिन विकास पागल होने के बाद वहां के नौजवान का, किसान का, गरीब का, वहां पर सब्र खत्म हो गया है और राहुल गांधी के साथ आंदोलन पर निकल पड़े हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई हक नहीं बनता कि वो राहुल गांधी पर टिप्पणियां करें। धन्यवाद। मैं बड़ा एक सुंदर सी चीज लेके आया था, फिर मुझे लगा कि वो जो शायरी जो है बहुत घटिया है। मैं अब स्मृति जी के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, स्मृति जी हमारी फ्रेटर्निटी की रही है, काम वाम भी किया है, बाकी काम वो नहीं कर पाई, जितना कर सकी कोशिश की है उन्होंने कि लोगों के अंदर अच्छी छवि बनाए। लेकिन मेरे पास भी आई थी कुछ कविताएं, फिर मैंने कहा नहीं यार, कुछ अच्छा शेर को सस्ते और मामूली शेरों के सामने नहीं पटकना चाहिए। मेरे शेर थोड़े ज्यादा मजबूत थे, इसलिए छोड़ो बचा के रख लिया है, दो दिन के बाद मैं उन शेरों को भी छोड़ दूंगा। मैंने जवाब इतना ही दे दिया, समझ लिया कि शेर बहुत घटिया थे, कविता की तुकबंदी बहुत ही सस्ती थी। भगवान ईश्वर, द्वारका में तो भगवान कृष्ण इसलिए गए थे कि वहां पर सब कुछ ठीक करना चाहते थे, चिंता मत करो, लेकिन द्वारका की तरफ भी कोई पाखंडी गया था तो वापस नहीं आया था। और जो भी आया था, आपको पता होगा हमारे पुराणों में है कि द्वारका की तरफ जिस पाखंडी ने नजर की थी वो वहीं पर धराशाही हो गया था। तो ये वो भी तो सरकारी कॉन्ट्रेक्चुअल था, शायद सरकारी डे हुआ तो सरकारी पार्टी का रहा होगा। देखिए जहां तक सवाल का जवाब है, मैं तो बहुत ही तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आपने बताया है कि उनको आज की तारीख में जो प्राइम एक्यूज था उसको जो है सरकारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिया गया, यानी उनको सरकार का ठेका दिया गया है। भाई हो सकता है कि उसको सरकारी, आज सरकारी ठेके में उनको काम मिला है, पिछले दिनों जब उन्होंने वो कुछ ऐसी हरकतें की होंगी वो किसी सरकारी पार्टी का ठेका रहा होगा। तो बात तो सरकार दोनों में कॉमन है, चाहे सरकारी ठेका हो या सरकारी पार्टी का ठेका हो। देखिए जहां तक सवाल है ऐसे सवालों का, उन सवालों के ऊपर मुझ जैसे व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी कर दी है, और जहां पर माननीय अदालत ने अगर ऐसी कोई टिप्पणी की है तो मेरा ख्याल से सरकारी पार्टी के लोग टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की का कि उनके दिए गए किसी भी फैसले का हम आदर करते हैं, हम तब तक के लिए कोई बात नहीं कहेंगे और ना कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वमान्य है सुप्रीम कोर्ट। देखिए जब दो बड़े लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं और आप हम बात करेंगे, हम अपने लेवल की बात करेंगे, खैर आप मुझसे ज्यादा ज्ञान में हैं, आप जो बात करेंगे मुझे सिर झुका के सुननी पड़ेगी क्योंकि आप चौथी दुनिया के हैं। लेकिन जब दो बराबर के लोग और एक दूसरे को अपने बड़ा मानते हैं, जो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए,
जो उन्होंने कहा वो भी सही है और जो इन्होंने कहा वो उससे भी ज्यादा सही है। तो इसलिए दोनों सहियों की बात को मैं इतना ही कहूंगा कि हम सलाम करते हैं और हमारी पीढ़ी को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान कैसे रखा जाता है। किसने? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले स्वराज जी ने, सुषमा स्वराज ने बहुत अच्छा बोला था, राहुल जी ने उनके उनकी वक्तव्य का ये कहा था कि सुषमा जी वाकई अब अच्छा बोलने लगी हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ बोला है तो हो सकता है। मुझे आ रहा था राहुल जी के साथ में, तो राहुल जी ने मुझसे इस बात को, बल्कि नहीं, हम बहुत साथ ही बैठे हुए थे, ये कहा था कि इस देश से बीजेपी क्यों नहीं सीखती है कि यहाँ पर जो है कोई किसी भी महिला को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो उस पर कोई एहसान नहीं किया जाता है। अरे यहाँ तो हमारे भगवानों के नाम बाद में आते हैं, चाहे देवता हो या राम हो या कृष्ण हो या विष्णु हो, इनका नाम जो बाद में आता है, पहले आता है लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम। तो जब इस बात को मानने वाले लोग हों, मैं सुषमा जी से कहूँगा, सुषमा जी आपकी हर बात जो सही होती है, और राहुल गांधी ने जो बात कही है इसका भी आप तस्दीक करेंगे कि ये बात उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत सही कही है। मतलब ये आपका वक्तव्य है, ये आप कह रहे हैं? किसमें? मुझे आप कहाँ घसीट रहे हैं भाई? अगर आपका वक्तव्य होता तो मैं दो सेकंड में जवाब दे देता, लेकिन जहां प्रणब मुखर्जी साहब का वक्तव्य है उसके बारे में राज बब्बर जो मात्र मेरे ख्याल से उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी हैं मैं उसके पन्ने भी नहीं गिन सकता, तो कम से कम आप मुझे वहां तो उनकी बात का जवाब देने के लिए खड़ा मत करें। मैं बहुत उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, मैं ही नहीं ये देश क्या दुनिया उनका सम्मान करती है कि उनसे बड़ा कोई बुद्धिजीवी और बुद्धिमानी नहीं हो सकता। मेरी क्या भूमिका? मेरी यही भूमिका है कि मैं देश के कांग्रेस जनों की आवाज की सोनिया जी ने अगर तस्दीक की है, अगर उसके बारे में कुछ कहा है, तो वाकई एक महान नारी ने परंपरा निभाई है कि जब महानता तभी होती है कि जब महान बातें हों, और महानता और भी बढ़ जाती है जब किसी एक संकल्पित व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई महान नारी अगर संकल्प करती है और उसको आशीर्वाद देती है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। धन्यवाद।